बहादुरी के अंदर जो डीसी काम कर रहा है बहुत बेहतर कर रहा है। डीसी इज वेरी गुड, इससे अच्छा डीसी आएगा नहीं। डीसी को बधाई और डीसी को आगे बढ़ना चाहिए और ये सफाई कंटिन्यू किया, इससे बढ़िया डीसी इस चरखीदार में तो आएगा नहीं। ऐसा डीसी आइंदा आना भी नहीं, आवे भी नहीं। आज तक कोई ऐसा डीसी नहीं आया जिसने अतिक्रमण हटाया हो। गुंजाइश हो तो 100 मन लाडू हटा, इतना बढ़िया काम करो। आपको लगता था कि क्या प्रशासन अतिक्रमण हटा पाएगा? मने नहीं लगा तो कभी को नहीं हटाया, और आज मलाज हटे हो जब निवेर बटे सरकार से। मेरी उम्र 30 साल हो गई आज तक, तो जी मैंने देखा नहीं, पहली बार जो ये कार्रवाई मैं देख रहा हूँ जो मैडम ने की है, इसके लिए मैडम का तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। नाम है सुबेदार बेद सिंह, पंजाब रेजिमेंट से मैं रिटायर हूँ, और जो दादरी के अंदर जो डीसी काम कर रहा है बहुत बेहतर कर रहा है, ये अतिक्रमण को हटा रहा है, इससे बहुत अच्छा काम होगा, एक्सीडेंट कम होंगे। ये तो ज़्यादा भीड़ बढ़ा रखी दुकानदारों ने, ये दुकानदार इतनी भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, इनका जो शटर तक का रास्ता उतना होना चाहिए। डीसी इज वेरी गुड, इससे अच्छा डीसी आएगा नहीं। एम सिटी का काम है, तो एम सिटी का मेयर है वो बहुत टॉप का आदमी है, म्यूनसिपल कमेटी का, इससे अच्छा कमेटी भी नहीं होगी। मेरे को कभी ये नहीं लग रहा था कि कभी ये डीसी कोई ऐसा काम कर देगा, जो इस डीसी ने किया इससे बढ़िया डीसी इस चरखीदार में तो आएगा नहीं। मनिंदर सांगवान बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये साथ साथ मलबा भी हटे और रुकना भी नहीं चाहिए, और डीसी को बधाई और डीसी को आगे बढ़ना चाहिए और ये सफाई कंटिन्यू रहनी चाहिए। दादरी के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है हटाने को? नहीं हो सकती, ये कई सालों के बाद हुई है और होना चाहिए, और इसके लिए डीसी बधाई के पात्र है। और ये करण सिंह फोगाट एक नंबर की कार्रवाई चल रही है, बहुत बढ़िया डीसी अपने ईमानदारी से कोई काम कर रही है, और ऐसा डीसी आइंदा आना भी नहीं, आवे भी नहीं। आज तक कोई ऐसा डीसी नहीं आया जिसने अतिक्रमण हटाया हो। दिल्ली रोड 4-4 बसें निकलती थी, आज सारा दिल्ली रोड सारा वो रोक लिया है, और डाणी फाटक पर जाके देखो 8 फुट के चूतरे लगे हुए हैं अब भी, जबकि गांधी नगर ये मार्केट थी जो गांधी की मूर्ति लगी हुई थी राष्ट्रवाद या धर्मशाला के, उसके पास में बिल्कुल ही गेट नहीं खुलते थे, और अब गेट भी लगा दिए, दुकानें आगे बढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल उधर से रास्ता जाने का बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है। हमें खोखे दोनों तरफ है, एक तरफ नाजायज खोखे हैं, दूसरी तरफ है दुकानें भी नाजायज हैं, और हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब उसको जाके देखो, और उस अतिक्रमण को भी हटवाओ, क्योंकि वहाँ रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रेलवे रोड पे रोज जाना एक्सीडेंट होते हैं। बहुत बढ़िया काम किया सरकार का धन्यवाद करते हैं, और गुंजाइश हो तो 100 मन लाडू हटा, इतना बढ़िया काम करो। आपको लगता था कि क्या प्रशासन अतिक्रमण हटा पाएगा? मने नहीं लगा तो कभी को नहीं हटाया, और आज मलाज हटे हो जब न्यूर बटे सरकार से, कहाँ से कहीं देख लो वो न्यू कहीं दिखेगा ना, तो आगे मैंने रोक रखा था, आगे उसने रोक रखा था, आने जाने के रास्ते नहीं थे, अगर एम्बुलेंस निकले तो कहाँ से निकले। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और समसपुर मेरा गांव है जी। खिदादरी में जो ये कार्रवाई चल रही है जी, ये बहुत बढ़िया कार्रवाई चल रही है, जो डीसी मैडम है ना उन्होंने बिना किसी भेदभाव के एक समान कार्रवाई की है, और इससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं, और मैडम का हम धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, ताकि जो शहर में जो गाँव से लोग आते हैं अपने साधन ले कर उनको रास्ता मिले और भीड़ भड़ाका न हो। जी मेरी उम्र 30 साल हो गई आज तक, तो जी मैंने देखा नहीं, पहली बार जो ये कार्रवाई मैं देख रहा हूँ जो मैडम ने की है, इसके लिए मैडम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी।